जेडी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं बैंक स्टेटमेंट के बारे में। जैसा कि लास्ट डे क्लास वी आर डिस्कस अबाउट इट, आप देख सकते हैं आपके पास एक स्टेटमेंट दिया है जिसपे एसबीआई का लोगो दिया होगा, उसके बारे में पूरा ऊपर डिटेल मेंशन होगा। सबसे पहले देखिए इसका अकाउंट होल्डर का नाम क्या है, लक्ष्मी बिल्डर। तो सबसे पहले एक हमें कंपनी बनानी होगी, किस नाम से? लक्ष्मी बिल्डर के नाम एक कंपनी बनाएंगे। सबसे पहले कंपनी बना ले, फिर आगे हम बात की स्टोरी सुनाते हैं कि आगे स्टोरी क्या है। तो सबसे पहले हम आ गए, टैली ओपन कर लिया। अकाउंट कंपनी क्रिएट करेंगे, है ना? क्रिएट कंपनी, वही सेम तरीका होगा, बस थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। कैसे करिएगा आपकी मर्जी, जैसे बनाना है, लेकिन मैच कर जाएगा दिक्कत हो जाएगी। डी ड्राइव फॉरवर्ड स्लैश लिख दे रहा हूँ 3.2 अच्छा लक्ष्मी, 3.2 लक्ष्मी लिख दे रहा हूँ, लक्ष्मी 3.2 लक्ष्मी, समझ रहे हैं ना? पार्टी का नाम ऐसे आप लोग बना सकते हैं, ऐसे बन गया। अब यहाँ पे पार्टी का नाम हो जाएगा, तो पार्टी का नाम क्या है? लक्ष्मी बिल्डर। एड्रेस क्या है? कस्या रोड राम पोला पड़ोना पड़रौना कुशी नगर। ठीक है, इंटर स्टेट क्या होगा बच्चों? उत्तर प्रदेश। क्या होगा? उत्तर प्रदेश। पिन कोड 2743 05 रामकुला का यही है। अब टेलीफोन नंबर मोबाइल नंबर जो भी डालना होगा डाल सकते हैं आप लोग, अगर मतलब लॉजिकली तो यहाँ डिटेल होना चाहिए, नहीं है तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटर 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 फाइनेंशियल ईयर यही रहेगा, 1 अप्रैल 23, 1 अप्रैल 23, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना। क्या इंटर करके एक्सेप्ट कर दो। इंटर इंटर करते आएंगे और जीएसटी अप्लीकेबल करके यहाँ पे जीएसटी नंबर डालेंगे, रेगुलर रहेगा, और यहाँ जीएसटी नंबर डालेंगे 09, लिख लीजिएगा एपी एमपीबी 12 31 M1 ZA, उसमें नहीं दिया होगा, जो हम लोग हमेशा यूज करते हैं वही वाला है, नोट कर लीजिए, नहीं होगा 09 AP MPP 12 31 M1 ZA, 09 AP MPP 12 31 M1 ZA। जेडी हो गया, 09 AP MPP 12 31 M1 ZA हो गया। तो जीएसटी नंबर हमने मेंशन कर दिया, देन इंटर इंटर करेंगे, कुछ चेंज नहीं करना है इसमें, जो है वैसे ही रहेगा, इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। देखिए सामने देखिए कंपनी बन गई हमारी, कंपनी बन के तैयार हो गई। अब आप देख सकते हैं मैंने आपको एक जो दिया स्टेटमेंट, फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है कि ये पैसा, देखिए उसमें लिखा होगा ड्राइंग पावर 10 लाख। ड्राइंग पावर यानी आहरण लेने की क्षमता, यानी इस बैंक से आप कितना कर्ज ले सकते हैं? 10 लाख रुपए। हर बैंकों की अलग अलग लिमिट होती है, इस बैंक ने आपको लिमिट दिया कि आप 10 लाख तक हमारे आपके खाते में पैसे ना होंगे तभी भी आप क्रेडिट पे चीजें किसी को पेमेंट कर सकते हैं, 10 लाख तक लोन ले सकते हैं दिया है। तो इससे भी बात क्लियर होगी कि ये खाता लोन का खाता है, सेविंग अकाउंट नहीं है। यानी हम एक लेजर बनाएंगे एसबीआई ओडी, और उसका अंडर ग्रुप होगा बैंक अकाउंट की बैंक ओडी अकाउंट, क्योंकि कर्ज वाला खाता है तो क्या होगा, बैंक ओडी अकाउंट होगा ऑब्वियसली। और देख सकते हैं किस किस महीने का स्टेटमेंट है, मई का, 1 मई 2018, उस टाइम बैलेंस दिया होगा 6,83,319.44 रुपये, माइनस में लिखा होगा 6,83,319.44, सही है? नहीं मिला तो उस टाइम, मतलब उस टाइम आपके खाते का बैलेंस यानी आपके ऊपर कितना कर्ज था, 6 लाख जो भी है, 39,000 जो कितना है, 39,89,83, वही आपके ऊपर कर्ज था, इतना कर्ज था। अब बताइए अगर आपके ऊपर 6,83,000 खर्च है, लेट एज्यूम कर लीजिए 6,83,000 खर्च है आपके ऊपर, अगर इसमें कोई 20,000 रुपया डाल देगा तो कितना हो जाएगा इसका बैलेंस? इस खाते में कोई 20,000 रुपया डाल दिया, इसका बैलेंस कितना हो जाएगा? 6,63,000 हो गया। पूछे क्यों? क्यों कर्ज है ना, आप कितने कर्ज में थे? 6,83,000, 20,000 कोई डाल दिया खाते में तो कर्जा काट लेगा ना,
सेलेक्ट 63 हो गए, यानी आपके ऊपर कर्ज अभी भी है लेकिन अब 63,000 है, 83 से 63 हो गए। और मान लीजिए 6,83,000 था आपका और आपने किसी को 7,000 पेमेंट कर दिया इस खाते से और किसी को पैसा दे दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 690 हो जाएगा, क्योंकि कर्जा और बढ़ गया, खाते में पैसा था नहीं, 7,000 और किसी को दे दिए। समझ में आ गई बात ना? चलिए तो सबसे पहले एक लेजर बनाना है, किसके नाम से? SBI OD के नाम से। किस नाम से लेजर बनाएंगे? क्रिएट लेजर, इंटर करेंगे और यहाँ बनाएंगे SBI OD, इंटर, अंडर ग्रुप क्या होगा? बैंक OD, क्या होगा? बैंक। अब यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नाम लक्ष्मी बिल्डर, सही है। अकाउंट नंबर देखिए 00 छोड़ दीजिएगा, बाकी उसके बाद 3 से बोलिए 3 1 3 1 6 5 है, 6 5 1 4 2 4 0 6, ये हो जाएगा आपका अकाउंट नंबर, ठीक है। IFC कोड होगा SBIN 00 है, 12 9 से 11 होगा, ठीक है। स्ट्रीट कोड दिया नहीं होगा, ब्रांच का नाम रामकोला, इंटर इंटर करके यहाँ आएंगे और यहाँ बैलेंस डाल लेंगे। बैलेंस कितना दिया है? 6,83,319 रुपए। यहाँ पैसा भी मैटर करेगा, ये बात याद रखिएगा, यहाँ पैसा पैसा मैटर करेगा। इंटर कर दी। अब क्योंकि बैंक ओडी कर्ज वाला खाता है तो ये लाइबिलिटी में आ जाएगा, इसीलिए इसका नीचे क्रेडिट हो गया है। बस इंटर करेंगे एक्सेप्ट कर लेंगे, हो गया। अब क्वेश्चन जो दिया है उसके हिसाब से क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में पहला ट्रांजेक्शन क्या दिया हुआ, देखिए 1 मई का कैश क्या हुआ है, डिपॉजिट हुआ है, बताइए। अब इसकी एंट्री किस वाउचर में करेंगे? आपकी इस वाउचर की एंट्री किस, इस जो ट्रांजेक्शन दिया हुआ है इसकी एंट्री किस वाउचर में करेंगे? क्यों, क्या अब लोगों को अभी चल रहा है, ऑफिस से गरम गरम दे देंगे, हाँ निकलेगा प्रिंटर से तुरंत मिल जाएगा। सुनो तो अब इसकी एंट्री कहाँ करेंगे? कंट्रा में करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कैश डिपॉजिट, मैंने कहा था कि ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें कैश टू बैंक या बैंक टू कैश की बात है, या ऐसे ट्रांजेक्शन जहाँ पैसा खर्च नहीं हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है वहां एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में, तो वहां होता है कंट्रा वाउचर। अच्छा, अगर पेमेंट के लिए किसी को ट्रांसफर किया जा रहा है तो पेमेंट वाउचर, लेकिन अगर अपने ही खाते में किया जा रहा है तो कंट्रा, ठीक है। चलिए तो ये पैसा डिपॉजिट हो रहा है, कितना डिपॉजिट हो रहा है? 11,980। तो बताइए कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा? अगर पैसा आप जमा कर रहे हैं खाते में तो बैंक पाने वाला है कि देने वाला है? पाने वाला है। जब बैंक डेबिट होगा तो कैश क्या होगा? चलिए वाउचर में आ गए या फिर से कंट्रा में, डेबिट कर दिए, क्रेडिट कर दिए कैश को 11,980, और डेबिट किसको करेंगे? SBI OD। देखिए उसका बैलेंस आ गया 6,73,349.44, मैच कराइए, सही है 6,73,349.44, हाँ बस हो गया। इंटर करेंगे तो यहाँ नोटों की संख्या पूछेगा आपसे, कितने नोट हैं? 2,000 कितना है? 10,000 है, 11,000, 2,000 के 10 नोट, अच्छा 20,000 हो जाएगा, 5 नोट 500 का 2 नोट और 200 का 4 नोट, 100 का 1 नोट, 50 का 1 नोट, 20 का 1 नोट और 10 का 1 नोट, हो गया 11,000 नंबर से। नोटों की संख्या जरूरी है यहाँ। इंटर करेंगे इंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। अगला ट्रांजेक्शन बताइए क्या है? अगला भी सेम यही दिया होगा, कैश डिपॉजिट ही हुआ है, मतलब इसी वाउचर में काम करना है। अच्छा कितना है यहाँ पे? 1,50,000 रुपये डिपॉजिट हुआ है, तो कैश क्रेडिट 1,50,000 रुपये। अब बताइए इसके पहले बैलेंस कितना आया था अभी जस्ट? 6,73,673 कितना आया था? अब बताइए 6,71 में 1,50,000 रुपये और जमा हो जाएगा तो बैलेंस घटेगा बढ़ेगा? घट जाएगा, 6,71 से घट के 5 कुछ पे आ जाएगा, क्योंकि कर्जा आपका कम हो जाएगा ना, 1,50,000 रुपये डिपॉजिट हो गए तो। इंटर करेंगे SBI के दो, देखो बैलेंस आ गया 5,21, 75 नोट डाल दे रहे हैं, 2,000 का 75 नोट, 2,50,000 हो जाएगा आराम से। बैलेंस आ गया 5,21,339.4, देखिए सही है, ओके। इंटर करेंगे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन पढ़िए, तो बताइए अगला क्वेश्चन किस वाउचर में एंट्री करेंगे? पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है किसको?
किसको ट्रांसफर किया जा रहा है? हर्ष ट्रेडर को। अच्छा बताओ, आप किसी को पैसा कब देते हो? जब आप उसे कुछ खरीदे हैं, यानी वो आपका खरीदे हैं तो यानी वो आपका सप्लायर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा बताइए, आप किसी को पैसा ऐसा देंगे कि उससे खरीदेंगे तब देंगे? खरीदेंगे। तो लॉजिकली अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपको एक परचेज में एंट्री करनी चाहिए। हॉर्स ट्रेडर से कुछ सामान खरीदे थे 29,000 का, और तब उसके बाद पेमेंट करते, लॉजिकली ये देखा जाता है। लेकिन नहीं, टाइम नहीं, हम समझते ही है कि परचेज के बाद ही पेमेंट किया जाता है, हमको पता है, हम डायरेक्टली करना चाहते हैं डायरेक्टली कर लीजिए, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में रीजन लिखा जाता है, ठीक है। हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, अल्ट सी करके बना ले रहे हैं, नहीं पहले, नहीं पहले अल्ट सी नहीं, पहले एफ फाइव से पेमेंट वाउचर, और यहाँ पे डेबिट अल्ट सी करके बना ले रहे हैं। क्या पाने वाला कौन है? हर्ष ट्रेडर्स। संड्री क्रेडिटर डेप्टर क्रेडिटर हो जाएगा, एक्सेप्ट कर लीजिए। कितना अमाउंट ऑन अकाउंट, कितना रुपया? 29,793 इंटर। और क्रेडिट कौन होगा, देने वाला कौन है? हमारा बैंक है, देने वाला कौन है? आप पैसा दे रहे हैं किसी को ना, और किसका स्टेटमेंट किसका स्टेटमेंट है? बैंक का। यानी जाहिर सी बात है, सारा पेमेंट आप बैंक से कर रहे हैं, कैश नहीं कर रहे हैं, तभी तो बैंक का स्टेटमेंट है। तो बैंक को ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बैलेंस क्या हो गया? 551,132.44 सही है। हाँ बस इंटर को एक्सेप्ट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, और क्या दिया है? क्वेश्चन पढ़िए, लो दो। हाँ यहाँ भी पैसा देकर ट्रांसफर किया गया है गुप्ता ट्रेडिंग का ऑपरेशन को, कितना? 18,612.36। तो अगर लॉजिकली देखा जाए तो 2.36 रुपया जो दिख रहा है लास्ट में, 12 रुपया, 12 में 2.36 रुपया बैंक का चार्ज है आपका। क्या है? बैंक का चार्ज है। चलिए कोई बात नहीं, डायरेक्टली पार्टी बना लेते हैं गुप्ता ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन का, लीजिए पकड़िए। तो डेबिट कौन होगा? गुप्ता ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन बना लीजिएगा, मैं हर्ष को ही ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी का नाम से ही मतलब है, लेकिन ओरिजिनल पे हर्ष गुप्ता ही होगा, समझ रहे ना, लेकिन मैं ऐसे हर्ष कर दे रहा हूँ। कितना है बताइए? भले 18,612.36। और क्रेडिट हो जाएगा एसबीआई, देखिए बैलेंस 569 आया है क्या? 569,744.80 सही है। चलिए पलट लिए पन्ना, हो गया। तो आपको करना है अगला क्वेश्चन, देखिए क्या है। एशियन पेंट पेमेंट किया गया कि पैसा रिसीव किया गया? ट्रांसफर किया गया है एशियन पेंट को, यानी पैसा दिया गया हो। तो पानी वाला कौन हो गया? एशियन पेंट। एशियन पेंट को डेबिट कर दिया, कितने से? 2.36 रुपया बैंक का चार्ज ही है, सोचिए। तो इस ट्रांजेक्शन को कैसे करेंगे, सोचिए। एसबीआई तो क्रेडिट हो जाएगा, और तो यहाँ 15,000 क्यों किया जाए? हर्ष को हम कितना दे रहे हैं? सिर्फ 15,000 दे रहे हैं, मान लीजिए सिर्फ 15,000 दे रहे हैं, और 2.36 रुपया फिर डेबिट कर दिया। क्या दे रहे हैं 2.36 रुपया? बैंक चार्ज। और सीखा के बना लीजिए क्या बैंक, बैंक चार्ज इनकम एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस हो गया। कितना दे रहे हैं? 2.36 रुपया। अब किससे दे रहे हैं पेमेंट? बैंक से। देखिए बैलेंस आ गया क्या? 584,747.16। ऐसे ही करना है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, हो जाए बल्क पोस्टिंग दिया क्या? हाँ अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए, इसमें समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, लेकिन आप ध्यान दे रहे होंगे तो आपके खाते में पैसा आ रहा है। देखिए क्रेडिट साइड में बैलेंस लिखा है, डेबिट साइड में बैलेंस लिखा है, किस वाली लाइन में पैसा लिखा है? क्रेडिट साइड में पैसा लिखा हुआ, क्रेडिट साइड, यानी आपके बैंक में पैसा आया है, क्रेडिट हुआ है। तो हमारे बैंक में पैसा आया है, हमारा बैंक पाने वाला है देने वाला है, बैंक को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। वहां क्रेडिट हो रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे? क्योंकि वहां तो दिखा रहा है कि आपके बैंक में क्रेडिट हुआ है, लेकिन आपका बैंक क्या हुआ है? डेबिट हुआ है। तो बैंक को डेबिट कर दीजिए।
बैंक को डेबिट कर दिया एसबीआई को, कितने से कितना आया बैलेंस बताओ? 8,000। दिखाओ वही 2 रुपए पीछे बैंक चार्ज हो जाएगा। आठ हजार मान लो खोलो, 8,020 रुपया कर दो मान लो, या पूरा लिख लीजिए छोड़ो, 22 रुपया इंटर। और डेबिट क्रेडिट कौन होगा? देने वाला कौन है पता चल रहा है? देने वाला कौन है पता चल रहा है? नहीं दिया है, दिया है देने वाला कौन है पता चल रहा है? तो सस्पेंस है, देयर आर जस्ट मिस्टीरियस, इस सस्पेंस है। तो क्या बनाएंगे अल्ट सी करके? सस्पेंस का अकाउंट बना लेंगे, सस्पेंस सामने देखिएगा सबको, सस्पेंस अकाउंट। और इसका अंडर ग्रुप भी क्या होगा बच्चों? अंडर ग्रुप भी क्या होगा सामने देखो, अंडर ग्रुप भी क्या होगा? सस्पेंड, लिख लीजिएगा सस्पेंड अकाउंट बना लेंगे। बैंक का बैलेंस बताइए 576 है क्या? 576,724 देखिए तो 0.25 है बस, आगे आप करते रहिएगा, लास्ट तक करना है। थैंक यू क्लास। सस्पेंड हो गया बैलेंस। हां क्यों सस्पेंड हो गया? पैसा रिसीव हुआ है ना तो पेमेंट में ही करेंगे ना, रिसिप्ट में करेंगे ना, या फिक्स रिसिप्ट। क्रेडिट हो जाएगा आपका, देने वाला कौन था? सस्पेंस। कितना दे रहा था बता दो फिर से एक बार? 22,000, 8,022, 8,022 रुपया बता दीजिए। और डेबिट हो रहा था ऐसा भी आएगा, 576 है ना? ठीक है बस यही कर रहे हैं। थैंक यू क्लास। हाँ जितना दिया आप लोगों को लास्ट तक करना है।